6 पग पी चुका हूं, ये सुसरी चढ़ क्यों नहीं रही है? और चढ़ेगी भी कैसे? एक तरफ वो करोड़ों का मुर्गा राज है, जिसे मैं कभी भी हलाल कर सकता हूं, और दूसरी तरफ वो जल्लाद डोगरा हाथ में तलवार लिए मुझे हलाल करने को बैठा है। मैं सीमा से कहूंगा क्या कि राज को छोड़ दे और वो छोड़ देगी? ऐशी, हे भगवान, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? और अगर पैदा किया तो ये डोगरा और सचदेवा जैसे खतरनाक राक्षस मेरी किस्मत में क्यों लिख दिए? चलो बेटा रंगनाथन, चलो। हाय हाय, मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। काश मैं अपनी छाती चीर के तुझे दिखा सकता कि मेरे हाथ में आके सरकार निकल रही है और वो डोगरा कहता कि वो मुझे इस दुनिया से उठा देगा। जरूर आपने उसे कोई धोखा दिया होगा या उसे कुछ नुकसान पहुंचाया होगा। अरे नहीं नहीं, मेरी माँ, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। वो घूम उसे कहता कि मैं तुझसे आकर कहूं कि तू राज का घर छोड़ दे, और मैं अपने अल्फाज में, नहीं उसके अल्फाज, अपनी जबान में तुझसे कहता हूँ कि तू राज का घर छोड़ दे। क्यों, मेरे इस घर में रहने से उससे क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, मैं जानता था तू यही सवाल करेगी, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुर्बानी का बकरा हूँ और बहुत जल्द अपनी जान से हाथ धोने वाला हूँ। हाय, अरे बहन, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं भी ये चाहता हूं कि तू इस घर से ना जाए, लेकिन वो डोगरा चाहता है, मैं क्या करूं? भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी क्या मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं इस घर से जाने वाली नहीं। खूब, बहुत खूब, तू मत जम, मैं जाता हूं। गुड नाइट।